हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। सीआरपीएफ इस्तेमाल कर रही है यूएस नेवी सील्स जैसे एडवांस नाइट विजन गॉगल। एलएसी रीइंफोर्समेंट के तौर पर इस साल के अंत तक 10,000 एक्स्ट्रा ट्रूप्स तैनात किए जाएंगे एलएसी पर। ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन पर ट्रैक हुई चाइना की सर्वे शिप। इफ्तिकार के टाइटल के साथ ब्रेव हार्ट मेजर मोहित शर्मा के जीवन पर आधारित बन रही है एक फिल्म। और पाकिस्तान पर फिर से मंडराने लगा है एफएटीएफ के ब्लैकलिस्ट का खतरा। टॉप सोर्सेज के मुताबिक इस महीने रिपब्लिक डे परेड के दौरान सीआरपीएफ फोर्सेस के टेबलों में डिस्प्ले के तौर पर उनके नए पैनोरामिक फोर आइड नाइट विजन गॉगल्स भी प्रदर्शित किए जाएंगे। और जिस तरह के फोर आइड नाइट विजन गॉगल्स की यहां पर बात की गई है, वो बिल्कुल वैसे ही गॉगल्स हैं जो यूएस नेवी सील ने अपने ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर में भी इस्तेमाल किए थे, वही ऑपरेशन जिसमें ओसामा बिन लादेन को एलिमिनेट किया गया था। और सोर्सेज के मुताबिक ऐसा पहली बार है जब सीआरपीएफ के इस तरह के एडवांस वॉरफेयर गैजेट्स को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो ये फोर आइड नाइट विजन गॉगल्स हैं, इन्हें किंग ऑफ नाइट विजन के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी सबसे खास बात यह है कि ये रात के समय 120 डिग्री का विजन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इनसे आपको बिल्कुल वैसा ही विजन मिलता है जैसे कि हम अपनी नेकेड आईज से देखते हैं। इसके अलावा ये लाइट वेट हैं और इन्हें आसानी से हेलमेट पर माउंट किया जा सकता है। और ये फोर आइड नाइट विजन गॉगल्स दुनिया भर की कई स्पेशल फोर्सेज भी इस्तेमाल करती हैं, जिनमें यूएस नेवी सील्स भी शामिल है। और सीआरपीएफ ऑफिशियल्स के मुताबिक ऐसा पहली बार है जब सीआरपीएफ के कमांडोज को भी इस तरह के गॉगल्स दिए गए हैं। बाकी इस रिपब्लिक डे परेड में सीआरपीएफ अपने इन खास तरह के नाइट विजन गॉगल्स के अलावा अपने कुछ और इक्विपमेंट को भी प्रदर्शित करेगी, जिनमें गन शॉट डिटेक्शन सिस्टम और वेपन माउंटर थर्मल साइट जैसे इक्विपमेंट भी शामिल हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के अंत तक इंडियन आर्मी एलएसी पर 10,000 एक्स्ट्रा ट्रूप्स को एलएसी रीइंफोर्समेंट के तौर पर फिर से डिप्लॉय करने की योजना बना रही है, ताकि ईस्टर्न सेक्टर पर चाइनीज थ्रेट को डील करने के साथ साथ फोर्स के अन्य प्राइमरी टास्क को भी पूरा किया जा सके। और सोर्सेज का कहना है कि ये जो एक्स्ट्रा ट्रूप्स एलएसी पर डिप्लॉय किए जाएंगे, ताकि अगर एलएसी के संवेदनशील क्षेत्रों पर चीन के साथ किसी भी तरह का विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में फ्रंट लाइन ट्रूप्स के लिए ये आसानी से एक सपोर्ट की तरह काम कर सकेंगे। और जैसे कि पहले के रिपोर्ट्स में बताया गया था कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, वहां पे सिक्योरिटी सिचुएशंस अब काफी हद तक इम्प्रूव हो चुकी हैं, और जिसके चलते यहां से करीब 3,000 सोल्जर्स वापस बुला लिए गए हैं, जो कि पहले यहां पर काउंटर इंसर्जेंसी और इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज पर तैनात थे। और अभी ऐसी योजना है कि इस साल के अंत तक करीब 7,000 और सोल्जर्स को वापस ले लिया जाएगा, और फिर जिसके बाद इस साल के अंत तक करीब 10,000 एक्स्ट्रा ट्रूप्स एलएसी रीइंफोर्समेंट के तौर पर भेजे जाएंगे। और जबकि कई सारी पार्लियामेंट्री पैनल्स भी इस बात को रिकमेंड कर चुकी हैं कि इंडियन आर्मी के फोर्सेस को काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ड्यूटीज से कम किया जाए, ताकि इंडियन आर्मी का जो मेन टास्क है देश को बाहरी ताकतों से बचाना, इस काम पर मेन फोकस किया जा सके। और चूंकि अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की सिक्योरिटी सिचुएशंस भी इंप्रूव हो चुकी हैं, और अब हालात ऐसे हैं जिनको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस भी आसानी से कंट्रोल कर सकती हैं, और वहां पे इंडियन आर्मी सोल्जर्स को तैनात करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए अब आर्मी सोल्जर्स को वहां से कम करके उन्हें सीमा क्षेत्रों पर मुख्य काम के लिए लगाया जा रहा है। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्होंने इंडियन आर्मी के ब्रेव हार्ट अशोक चक्र से सम्मानित मेजर मोहित शर्मा के बारे में ना सुना हो, जो इंडियन आर्मी की एलीट वन पैरा स्पेशल फोर्स से थे, और जो 21 मार्च 2009 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के जंगलों में आतंकियों के साथ हुई एक मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए थे। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान वीरगति को प्राप्त होने से पहले उन्होंने सिंगल हैंडेडली 2 से 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था, और यहां तक कि अपने एक टीममेट की जान भी बचाई थी। और मेजर मोहित शर्मा पर हम एक बायोग्राफी भी बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर जरूर देखें। पर अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ब्रेव हार्ट मेजर मोहित शर्मा के जीवन पर आधारित एक फिल्म रिलीज होने वाली है, जो अगस्त 2022 में होगी। और जो ये फिल्म है, ये दृश्यम फिल्म्स और अप्लॉज एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है, और ये फिल्म इफ्तिकार के टाइटल के साथ रिलीज होगी। क्योंकि जब मेजर मोहित शर्मा जम्मू कश्मीर में तैनात थे, तो वहाँ एक ऑपरेशन के दौरान वे इफ्तिकार के नाम से आतंकियों के ग्रुप में ज्वाइन हुए थे, और उस ग्रुप में शामिल होने के बाद उन्होंने इंडियन आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर को आतंकियों से जुड़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। और जबकि भारत के वन ऑफ द टॉप मोस्ट डिफेंस वेबसाइट लिफिस डिफेंस के फाउंडर शिव अरूर और राहुल सिंह द्वारा लिखी गई एक बेहद ही फेमस बुक इंडियाज मोस्ट फियरलेस के वॉल्यूम 2 में इस बात का जिक्र है कि किस तरीके से मेजर मोहित शर्मा भेज बदलकर इफ्तिकार के नाम से आतंकियों के ग्रुप में शामिल हुए थे, और जिसके बाद सफलतापूर्वक एक ऑपरेशन को अंजाम दिया था। बाकी इसी से जुड़ी एक फेमस लाइन भी है कि मोहित नहीं सर, इफ्तिकार कहिए। और बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप में से कितने लोग मेजर मोहित शर्मा के जीवन पर आधारित इस फिल्म को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। और अगर आप एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें।
लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया है कि चाइनीज गवर्नमेंट की सर्विस शिप जिसका नाम है शियांगयांग होंग 3 ये अभी भी इंडियन ओशन रीजन पर ऑपरेट कर रही है और जहां पे शिप द्वारा वेस्ट ऑफ सुमात्रा में सर्च पैटर्न जारी है और ये चीन के वही सेम वेसल है जिस पर पिछले सप्ताह रनिंग डॉक का आरोप लगाया गया था। यानी कि ये शिप इंडोनेशियन टेरिटोरियल वाटर्स पर बिना अपनी पोजीशन को ब्रॉडकास्ट किए ऑपरेट कर रही थी। और द प्रिंट के साथ बात करते हुए डिफेंस और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट का कहना था कि चीन की इस सर्वे शिप को लेकर इस बात का संदेह है कि यह सिविलियन रिसर्च के साथ साथ हो सकता है कि यहाँ पर नेवल प्लानर्स के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए भी इस्तेमाल की जा रही हो, जो कि पूरी तरीके से सबमरीन वॉरफेयर से जुड़ी हो सकती है। और वैसे भी इंडियन ओशन का जो ईस्टर्न रीजन है उस पर चाइनीज नेवी का कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है, तो इसलिए चीन यहाँ पर अपनी सबमरीन कैपेबिलिटीज को भी एक्सपेंड कर रहा है और हो सकता है कि इस तरह के सर्वे शिप से मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल चीन इस रीजन में अपने सबमरीन को नेविगेट करने के लिए कर रहा हो और शायद इसलिए भी कर रहा हो ताकि उनकी जो सबमरीन इस रीजन में ऑपरेट कर रही हैं वो आसानी से डिटेक्ट ना हो पाए। बाकी इसके अलावा अभी हाल ही में मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के सीनियर फेलो कमांडर थॉमस ने न्यूक्लियर अटैक सबमरीन पर लिखी अपनी एक रिपोर्ट में ये कहा कि अगर इंडियन नेवी को एक ट्रू ब्लू वाटर फोर्स में ट्रांसफॉर्म होना है तो इसके लिए हमें न्यूक्लियर पावर्ड जनरल पर्पस अटैक सबमरीन की फ्लीट की जरूरत है जो इंडो पैसिफिक रीजन में हमारी ग्रेट पावर वाली एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में सक्षम हो। जैसलमेर में पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर सुरक्षा को और बढ़ाने के उद्देश्य के साथ बीएसएफ की तरफ से ऑपरेशन सर्द हवा को लॉन्च किया गया है और यह ऑपरेशन खास करके रिपब्लिक डे से पहले सुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य के साथ लॉन्च किया गया है ताकि सीमा पर किसी भी तरह की घुसपैठ ना हो सके और इसलिए यह ऑपरेशन 27 जनवरी तक जारी रहेगा। और इस ऑपरेशन के दौरान सीमा क्षेत्रों पर और भी स्ट्रिक्ट तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। और वैसे आपको बता दें कि बीएसएफ समर सीजन में ऑपरेशन गर्म हवा और विंटर सीजन में ऑपरेशन सर्द हवा को एक रूटीन एक्सरसाइज के तहत हमेशा लॉन्च करती है और इस ऑपरेशन के तहत सीमा क्षेत्रों पर कुछ स्पेशल पुलिस चेक पॉइंट भी स्थापित किए जाते हैं। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट है हमारे निकम में पड़ोसी के बारे में जो जारी हुई है ग्रीक सिटी टाइम्स की तरफ से और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अगले महीने पाकिस्तान को FATF द्वारा ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान की जमीन पर अभी भी आतंकी संगठन ऑपरेट कर रहे हैं और पाकिस्तान सरकार की तरफ से अभी भी इनके खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। और इस रिपोर्ट में FATF के प्रेसिडेंट मार्कस प्लेयर की एक स्टेटमेंट के बारे में भी बात की गई है जो कि तब आई थी जब पिछले साल अक्टूबर में FATF की रिव्यू मीटिंग की गई थी और उस मीटिंग में आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई में भारी कमी पाई गई थी और फिर जिसके बाद पाकिस्तान को अगली मीटिंग तक इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कहा गया था और अब FATF की नेक्स्ट मीटिंग अगले महीने 19 से 21 फरवरी तक होने वाली है और इसलिए इस रिपोर्ट में इस बात की संभावना जताई गई है कि अगर पाकिस्तान अभी भी उचित कार्रवाई नहीं करता है तो फिर पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट का सामना करना पड़ सकता है। बाकी अगर आपको ये जानना है कि FATF क्या है और अगर FATF किसी को ब्लैकलिस्ट करती है तो उसके क्या परिणाम होते हैं तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। बाकी इन सबके अलावा आज शुक्रवार को न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करने के लिए एक ट्रीटी आज से औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा बन चुकी है और दुनिया से इस डेडलीस्ट वेपन को बैन करने के लिए उठाया गया ये एक बेहद ही ऐतिहासिक कदम है। लेकिन इस कदम का वर्ल्ड्स न्यूक्लियर आर्म नेशंस की तरफ से स्ट्रॉन्गली अपोज भी किया गया है। आपको बता दें कि न्यूक्लियर बैन ट्रीटी जुलाई 2017 में UN जनरल असेंबली द्वारा अप्रूव की गई थी और करीब 120 से अधिक ने इसको अप्रूव किया था। लेकिन 9 ऐसी कंट्रीज जो आज के समय में एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री मानी जाती है जिसमें US, रशिया, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल, इन कंट्रीज ने इस ट्रीटी को सपोर्ट नहीं किया और न ही 30 नेशन नेटो अलायंस ने इसका सपोर्ट दिया। यहाँ तक कि जापान जो कि दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसे इस न्यूक्लियर अटैक का सामना करना पड़ा है उसने भी इस ट्रीटी को सपोर्ट करने से मना किया था। और आपको बता दें कि न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करने वाली इस तरह की पहली ट्रीटी है और जो इसको साइन करेगा उन देशों में फिर न्यूक्लियर वेपन्स हमेशा के लिए बैन हो जाएंगे। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।